इसराइल ने बता दिया है कि उसे संयुक्त राष्ट्र की भी कोई परवाह नहीं। इसराइल ने अब दक्षिण लेबनान से कई इलाके खाली करने का ऑर्डर दिया है। 22 इलाके खाली करवाने के बाद इसराइल अब हिजबुल्ला के तहखाने में ऑपरेशन शुरू कर चुका है। नेतन्याहू ने यूएन महासचिव से ब्लू लाइन पर मौजूद यूएन फोर्सेस को वहां से फौरन हटने का फरमान सुनाया है। इसकी वजह से पूरे यूरोप में वॉर टेंशन बढ़ गई है। यूरोपीय देशों पर भड़का इजराइल। नेतन्याहू बोले वॉर जोन से दूर रहें यूएन फोर्स। हिजबुल्ला को जो बचाएगा इजराइल उसे जलाएगा। तेल अवीव की दहलीज को अब हिजबुल्ला लड़ाके दहलाने लगे हैं। रॉकेट से, फाइटर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इसराइल के डिफेंस सिस्टम को चीर कर हिजबुल्ला तेल अवीव को तहस नहस करने के करीब पहुंचने वाला है। हिजबुल्ला के रॉकेट हमले कितने विस्फोटक हैं, इसे हरजीलिया की तबाही बयां कर रही है। इस इमारत पर ड्रोन बम फटा है। न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर अरुण सिंह ने हमले के बाद तबाह हुई बिल्डिंग के भीतर जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग की है। ड्रोन ने यहाँ हिट किया था, ये पॉइंट है जहाँ ड्रोन ने हिट किया, और ये लगभग 10 से 12 इंच की कंक्रीट की दीवार है और इसको ड्रोन ने तोड़ दिया और तोड़ के अंदर आया, जिसकी वजह से यहाँ आग लग गई। ये शीशे देखिए टूटे हुए हैं, आग लग गई थी यहाँ, उसके निशान यहाँ पर देखिए। ये जो किताबें हैं, जो ओल्ड लेडी यहाँ रहती थी उनकी किताबें हैं, सारी किताबें देखिए जली हुई। ये नीचे भी एक जली हुई किताब आपको दिखाई दे रही है, देखिए नीचे ये सारी किताबें जल गई हैं उनकी, क्योंकि आग लग गई थी इस अपार्टमेंट में। और ये देखिए, ये जो उनका बैग है वो भी पूरी तरह से जल गया है। ये कांच की खिड़कियां देखिए टूट गई हैं, और इसके सामने जो गाड़ियां खड़ी थी उनके शीशे भी टूट गए। ये रूफ, ये जो लाइट है वो देखिए नीचे की तरफ आ गई है, और इसका असर देखिए यहाँ पर। ये जो बालकनी में बैठती थी अक्सर, वो देखिए बालकनी का दरवाज़ा पूरा यहाँ पर टूट गया है। ये देखिए आग लगी थी, सोफ़ा भी जला हुआ है। ये देखिए कपड़े जले हुए हैं, पूरा घर डैमेज हो गया है। 200 किलोमीटर दूर से दागे जा रहे हथियार इसराइल को जला रहे हैं, तो लेबनान की तबाही भी कुछ कम नहीं। जहां इसराइल आसमान से मौत बरसा रहा है, दक्षिण लेबनान के शारबील की बर्बादी न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला की आंखों देखी जानी है। मैं पहुंचा हूं शरहबील। शरहबील में अभी इसराइल की तरफ से एक बम्बार्डमेंट की गई है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अंदर हूं मैं। ये किचन है इस घर का, और आप देख सकते हैं कि क्या हाल है यहां पे। बिल्कुल अभी सिर्फ यहां पे मैं पहुंचा हूं, और अभी भी ऊपर से देखिए ये क्या हाल है। और ये आप पिक्चर्स देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 पे। सिर्फ न्यूज 18 की टीम अभी यहाँ पे पहुंची है। थोड़ी देर पहले ये यहाँ पे बम्बार्डमेंट की है इसराइली फोर्सेस ने, और हिजबुल्ला लगातार टारगेट कर रहा है इसराइल पर। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके के हालात हैं। सब ये जो स्लैब्स हैं, ये देखिए ये बिल्कुल लटक रही हैं, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि कभी भी ये मकान पूरा ढह सकता है। लेकिन इसको कहते हैं कि अपनी लाइफ की रिस्क लेके भी यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ अंदर, ताकि रियल ग्राउंड ज़ीरो सिचुएशन में आपको दिखा सकूँ। ये पूरा का पूरा यहाँ पे ढह गया है, और ये हालात हैं यहाँ पे। ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग अभी कोलैप्स हो जाएगी, और यहाँ पे सारा ये जो इर्द गिर्द का हाल है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ है। ये है रियल ग्राउंड जीरो की पिक्चर अभी। हिजबुल्ला के तहखाने खुलने लगे हैं। इन अंधेरी गुप्त सुरंगों में बैठे नसरल्ला आर्मी के खूंखार फाइटर बेमौत मारे जा रहे हैं।
इजराइल आर्मी की 91वीं डिवीजन हिजबुल्ला के तहखाने में घुसकर ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। दक्षिणी लेबनान में सैकड़ों अंडरग्राउंड बंकर को आईडीएफ ने तबाह कर दिया है। हिजबुल्ला के इन सीक्रेट अड्डे से भारी मात्रा में गोला बारूद का जखीरा भी बरामद हुआ है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में सीक्रेट सुरंग से हिजबुल्ला लड़ाकों को जिंदा दबोचने का दावा किया है। लेबनान में सरेंडर करने वाले लड़ाके का वीडियो रिलीज कर अंडरग्राउंड बंकर की फिल्म रिलीज की गई है। आईडीएफ के मुताबिक 7 मीटर गहरे बंकर में छिपे हिजबुल्ला कमांडर की पहचान अभी नहीं हो पाई है। हिजबुल्ला फाइटर गुप्त गुफाओं से एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च कर इसराइल को दहला रहे हैं। जमीन के नीचे बने बंकरों को हिजबुल्ला के रदवान फोर्स इस्तेमाल कर रही है। इसराइल सीक्रेट तहखानों की तबाही के साथ हिजबुल्ला लड़ाके उन रिहायशी बस्तियों में चुन चुन कर मार रहा है जहां वॉर कमांड कंट्रोल रूम में टॉप कमांडर बैठे हुए हैं। इसराइल ने अल शराबील बकास्ता सिडोन में एयर स्ट्राइक करके कई इमारतें जमींदोज कर दी हैं। इसराइल के बारूदी प्रहार से बौखलाए हिजबुल्ला ने भी जोरदार पलटवार शुरू कर दिए हैं। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वो बेहद चौंकाने वाला है और इसराइल के लिए मुश्किल का सबब भी है, क्योंकि तेल अवीव जो एक तरह से सबसे बड़ा शहर उनका है और सबसे हैपनिंग शहर है, वहां तक ड्रोन पहुंच गया हिजबुल्ला का। 2 ड्रोन हिजबुल्ला ने लॉन्च किए थे, उनमें से एक को इंटरसेप्ट करके आईडीएफ ने मार गिराया, लेकिन दूसरा ड्रोन तेल अवीव से महज 12 से 14 किलोमीटर के दूर एक बिल्डिंग में, एक नर्सिंग होम जो ओल्ड पीपल यानी जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनकी बिल्डिंग को हिट किया। इस वक्त मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको हरजिलिया की। हरजिलिया में ये ओल्ड पीपल यानी बुजुर्ग लोगों के रहने की जगह है और वहां पर देखिए आप सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा सा होल हो गया है। वो जो होल है वो इस वक्त इसराइल का झंडा लगा करके यहां उसको ढक दिया गया है, लेकिन वो होल आपको साफ दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर टूटी हुई खिड़कियां, कांच, बिखरे हुआ मलबा, ये आपको दिखाता है कि ड्रोन किस तरह से लगभग 150 से 200 किलोमीटर ट्रेवल करके और तेल अवीव के पास आ जाता है। आप नीचे देखिए यहाँ पर। हिजबुल्ला की 13 अक्टूबर की वॉर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लड़ाकों ने एन मार्गलियाट पर ड्रोन हमला किया। हाइफा के पश्चिम में किरियात अलीयजर में इसराइल के एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ है। तेल अवीव के बाहरी इलाके में हिजबुल्ला ने ड्रोन हमला कर दहलाया है। जरदाह साइट पर इसराइली सैनिकों के जमावड़े को हिजबुल्ला ने निशाना बनाकर रॉकेट धमाका किया है। हिजबुल्ला ने अपने कब्जे वाले सीरियाई गोलान में होमा बेस पर रॉकेटों की बौछार की है। नईम कासिम ब्रिगेड ने जरीड बैरक में जमा इसराइली सैनिकों को रॉकेट हमलों से मार भगाया है। मलिया में इसराइली सैन्य ठिकाने पर रॉकेट से हमला किया। रमिया साइट से पीछे हटने की कोशिश कर रहे एक इसराइली बुलडोजर को हिजबुल्ला फाइटर्स ने बर्बाद किया है। खिरबेट जरीट में इसराइली पैदल सेना को तोपखाने की गोलाबारी से घेर लिया। हाइफा के दक्षिण में आईडीएफ के हथियार डिपो पर मिसाइल स्ट्राइक की गई है। बलिडा, तिबेरियस, मेटूला बस्ती, कफर युवल और खिरबेत नफा में इसराइल पर रॉकेट अटैक हुआ है। इसराइल मीडिया में भी हिजबुल्ला के 35 रॉकेट अटैक की रिपोर्ट है। इसके जवाब में इसराइल ने हिजबुल्ला पर 200 एयर स्ट्राइक की है। अभी अभी जो ये यहाँ पे अटैक हुआ है ये उसके बाद का मंजर है। ये साउथ लेबनान का इलाका है और ये सबसे डेंजरस इलाका है, लेकिन जिस जगह पे ये अभी स्ट्राइक हुई है एयर स्ट्राइक और इसमें मिसाइल्स और रॉकेट्स दागे गए हैं, सब कुछ बर्बाद हुआ है। ये देखिए सब कुछ लटक रहा है, सब कुछ जो है ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। तो रात के दौरान भी काफ़ी जगहों पे अटैक्स हुए हैं इसराइल की तरफ से, लेकिन हिजबुल्ला लगातार इसराइल पे अटैक कर रहा है। ये है ग्राउंड ज़ीरो सिचुएशन, हर तरफ से बिखरा पड़ा है सब कुछ। तो अभी ये हटा रहे हैं ये चीज़ें, तो ये देख सकते हैं। आईडीएफ की 4 डिवीजन ग्राउंड बैटल में हिजबुल्ला की कमर तोड़ने में जुटी हुई हैं। आईडीएफ ने पिछले 24 घंटों में लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर 200 हवाई हमले किए हैं। लेबनान में 12 और 13 अक्टूबर के हमले में अब तक 26 की मौत, 144 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की जानकारी है। लगातार इसराइल की तरफ से स्ट्राइक्स की जा रही हैं, खासतौर से साउथ लेबनान में भी, बेरोत में भी, जहां जहां पे उनको लगता है कि हिजबुल्ला के लोग हो सकते हैं वहाँ वहाँ पे टारगेट किया जाता है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है क्योंकि आवाज़ हर तरफ से आ रही है। बहुत खतरा अभी महसूस हो रहा है। यहाँ पे एक घर के लोग हैं जिनका ये घर है, बट बहुत ज़्यादा खतरा
यहाँ पे लग रहा है। और अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ये अपनी किताबें, ये स्टूडेंट होगी, ये अपनी किताबें जो है ये समेट रही है। लेबनान फ्रंट पर जारी भीषण युद्ध के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से वॉर जोन से यूनिफिल फोर्सेस को हटाने की अपील कर दी है। אני רוצה מכאן לפנות ישירות למזכ"ל האו"ם. הגיע הזמן שתוציא את יוניפיל ממעוזי החיזבאללה וממרחבי הלחימה. צה"ל ביקש זאת שוב ושוב, והוא נתקל בסירוב שוב ושוב, שכל כולו מכוון לתת חומת מגן אנושית למחבלי חיזבאללה. इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर तैनात यूएन पीस मेकर फोर्स पर लगातार हमले हो रहे हैं। 10 अक्टूबर को भी एक सैनिक को गोली लगी थी, जिसके बाद पश्चिमी देशों ने इजराइल से सफाई मांगी और यूएन पीस फोर्स को निशाना बनाने से बचने की फटकार भी लगाई थी, जिसका जवाब देते हुए नेतन्याहू ने यूएन से अपील की है। हालांकि नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को क्लियर कर दिया है कि इजराइल की जगह हिजबुल्ला को यूएन को शील्ड बनाने से रोकना चाहिए। הופך אותם לבני ערובה של חיזבאללה. זה מסכן גם אותם וגם את חיי חיילינו. אנו מצרים על הפגיעה בחיילי יוניפיל, ואנחנו עושים כל שביכולתנו כדי למנוע הפגיעה הזאת. אבל הדרך הפשוטה והמתבקשת. בלו ליין פר מוג'וד יואן פוסיס קו קוואץ' כתרה הסתמל קר חיזבאללה, איזרייל פר בדי המלה קרנה מקמייב הוסקתה היא. इसीलिए इसराइल ने यूएन फोर्स को वॉर जोन से हटने की अपील की है। इसकी वजह गाजा में इसराइल में शुरू हुए हमले भी हैं, जहां इसराइल पर जोरदार पलटवार शुरू हो गया है। बेरूत से 100 गुना बारूदी धमाके यहां हुए हैं। यहां इसराइल टैंक से गोले दाग रहा है। जंगी जेट से 20 टन के बम बरसा रहा है। आईडीएफ की मिसाइलें भी यहीं अंधाधुंध फट रही हैं। ये जबालिया है। हमास यहां युद्ध में पूरी तरह परास्त हो चुका है, मगर इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। जबालिया के चप्पे चप्पे को नेतन्याहू आर्मी ने खंडर बना दिया है। जबालिया की बस्तियां खाली हो चुकी हैं, लेकिन जबालिया के अंडरग्राउंड सुरंगों से अब इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इसराइल तक मार करने वाले रॉकेट जबालिया से दागे जा रहे हैं। गाजा से इसराइल पर शुरू हुए हमले ने वॉर जोन में बहुत बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। हमास के काउंटर रॉकेट अटैक तब शुरू हुए जब इसराइल की सेना ने बेत हनून, जबालिया और बेत लाहिया इलाके को गाजा सिटी से काट कर अलग कर दिया है। 24 घंटे के भीतर गाजा में इसराइल के हमले से 52 लोगों की मौत हुई है, 128 के करीब लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद गाजा युद्ध में मौत का आंकड़ा 42,000 के पार जा चुका है। लड़ाई भीषण होती जा रही है। जान माल का नुकसान बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस युद्ध का अंत कैसे होगा, इसका कोई हल नहीं निकाल रहा। हमास चीफ याहिया सिनवार सुरंग में बैठकर इजराइल की तबाही की रोज नई तरकीब इजाद कर रहा है। हिजबुल्ला के नए चीफ नईम कासिम इजराइल से नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने का प्लान बना रहे हैं। ईरान इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर चुका है। बेरूत हमले में नसरुल्लाह के साथ मारे गए ईरान के कमांडर अब्बास नील फरोशान के अंतिम संस्कार का बारूदी प्लान बनाया गया है। ईरान अपने कमांडर के अंतिम संस्कार से पहले उनके शव को इराक के करबला और नजफ में ले जाएगा। इराक में कमांडर के जनाजे को दिखाकर ईरान शिया मिलिशिया ग्रुप्स को युद्ध में पूरी तरह से कूदने की गारंटी भी ले लेगा। कमांडर के शव को इसफान में दफनाने से पहले तेहरान में जुलूस भी निकाला जाएगा। ईरान शिया आर्क यानी उन सभी देशों को जहां शिया मुस्लिम ताकतवर हैं, उसको युद्ध में शामिल करने पर जोर दे रहा है। शिया आर्क के ज्वाइंट अटैक से इसराइल को हराने का प्लान विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि जब कई दुश्मन इसराइल को घेरेंगे तब इस युद्ध में अमेरिका का आना तय हो जाएगा। सुपर पावर का युद्ध में आना ही कई मुल्कों की बर्बादी की वजह बन सकता है।